Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Anonymous ji, बहुत-बहुत स्वागत है आपका. Actually, आपका email आया था मुझे कि आपको कुछ बात करना है मुझसे. तो बात दरअसल ये है कि मैं एक मुसलमान हूँ, और दूसरी बात ये कि मैंने भले ही कुरान जो है बात तर्जुमा ना पढ़ा हो, ना भले ही मैंने तफसीर के साथ ना पढ़ा हो, पर मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपना दीन छोड़ूं. ठीक है, पहली बात तो ये है. और दूसरी बात ये कि अगर आप पहले एक मुसलमान थे, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपका ये ओवरनाइट डिसीजन था कि आप एक आपको एक मुसलमान नहीं रहना चाहिए? मोहतरमा, आपका नाम आप बता सकती हैं? आप मुझे अनॉनिमस से ही मुखातिब कर सकते हैं. ठीक है, और आप इंडिया से हैं अनॉनिमस जी? जी नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ. ओह वाह, बहुत जबरदस्त. तो अनॉनिमस जी, देखिए, मैं जो मेरा जो ये फेस था इस्लाम से, हालांकि मैं इस्लाम का एक दाई था, क्योंकि ये आयत मैंने कई बार सुनी है, पढ़ी है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़ति अल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि आप लोग यानी लोग आपको चाहिए कि आप अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाए हिकमत के साथ. तो मैंने कई दावा कई यानी अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा मैंने दावत और तबलीग में मैंने लगाया है. और तो आप सोचिए कि किस तरीके का मुसलमान मैं था. लेकिन जब और वो बुनियाद जो थी, वो इस्लाम का जो एक पहलू है, वो सिर्फ हमें बताया जाता है, हमें बस उसकी नॉलेज होती है. इसकी बुनियाद पे हम मुस्लिम रहते हैं और इतनी शिद्दत से हम इस्लाम को पसंद करते हैं या मोहम्मद साहब को पसंद करते हैं. लेकिन जब आपके सामने सिक्के का दूसरा पहलू जब आना शुरू होता है, तो जो फर्स्ट फेज आपका ये होगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई में ऐसा है. फिर दूसरा फेस ये होगा कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई है, आपने गलत समझा है. फिर तीसरा फेस होता है कि अब आपका दिल नहीं मानता है कि इसका कोई क्लेरिफिकेशन या इसको किसी तरीके से डिफेंड भी किया जा सकता है. ये होता है तीसरा स्टेज. और चौथा स्टेज ये होता है कि आपके दिल में, अगर वाकई में आपके अंदर सच्चाई को मानने का जज्बा है और तहकीक का जज्बा है, तो फिर जो लास्ट स्टेज होता है वो ये होता है कि आप फिर एक डिसीजन लेते हो कि नहीं, वाकई में ये एक ऐसी चीज है जो खुदा की तरफ से नहीं है और इसमें हमारा बस वक्त बर्बाद हो रहा है. तो इस तरीके से ये ट्रांजिशन होता है एनोनिमस जी. तो ये एक दिन की बात नहीं होती है, कोई एक डाउट नहीं होता है जिसकी बुनियाद पे आप सीधा इस्लाम को छोड़ देते हो. नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. ये आहिस्ते आहिस्ते आपका जहन बनते जाता है और उसके बाद फिर आप इस्लाम को छोड़ते हो. तो क्या लोगों ने आपको मुतासिर किया? लोगों ने इन द सेंस, इन द सेंस कि आप इंडिया में रहते हैं और आपके इर्द गिर्द बहुत से हिंदू भाई, हिंदू बहनें और मतलब डिफरेंट रिलीजन्स के साथ रहते होंगे, तो आप तो उनसे भी मुतासिर हुए होंगे. ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ. उससे पहले कुछ मोमिन भाई हमारे लिख रहे हैं कि मैं इस्लामोफोब हूँ या फिर इस तरीके से. तो मैं चाहता हूँ कि आप आइए स्ट्रीम में, आप लोगों के लिए खुला मंच है, आप आइए और मेरे जो एतराज़ है उसका आप जवाब दीजिए, ताकि लोग भी समझे, मैं भी समझूँ और मैं इन एतराज़ को लाइव पे मैं मानने के लिए तैयार हूँ. अगर आप साबित कर दो कि मेरा एतराज़ गलत है, तो मैं लाइव पे मानने के लिए तैयार हूँ कि ये मेरा गलत एतराज़ है. तो इतना ओपन हूं मैं. तो एनोनिमस जी, जो आपने पूछा मुझे कि क्या मैं हिंदुओं से या और मजहबी लोगों से इंस्पायर हुआ, तो मैं कह दूं आपको कि इंस्पायर नहीं हुआ मैं, लेकिन उनके साथ जो मैंने वक्त गुजारा है, यानी कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिसेस में, तो वहां से जब आप मिक्स कल्चर में रहते हो और उसके बाद आप एक कट्टर मुस्लिम हो, कट्टर यानी जैसे कि मैं था, दावत देने वाला और प्रॉपरली फॉलो करना, प्रसाद नहीं खाना है, किसी को विश नहीं करना है उनके फेस्टिवल में. तो जब आप मिक्स कल्चर में रहते हो ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है कि आपके दिल को फिर वो सवाल चुभने लगता है कि यार, मैं, मेरे जो दोस्त है, जो गैर मुस्लिम दोस्त है, वो हर फेस्टिवल में, हमारे हर फेस्टिवल में वो हमें मैसेजेस भेजते हैं, विश करते हैं,
लेकिन इनके एक भी फेस्टिवल में ना हम विश करते हैं, बल्कि ये सामने से भी अगर विश करने आते हैं तो हम अपना पल्ला छुड़ा के दूर भाग जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको अंदर से खाने लगती है, फिर आपको समझ में आने लगता है कि यार ये किस तरीके की इंसानियत है कि मैं एक अपने इंसान जो कि वो खुद, अगर मुझे समझो मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ हो जाए तो मुझे बचाने वाला, मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाला मेरा हिंदू दोस्त होगा, मेरा क्रिश्चियन दोस्त होगा। वो नहीं देखेगा कि ये तो मुझे विश भी नहीं करता है तो इसे मैं क्यों हॉस्पिटल लेके जाऊं, वो मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा, वो मेरी मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो ये चीजें आपको खाने लगती है। तो इस तरीके से मैं कोई हिंदू रिलीजन से या क्रिश्चियनिटी से कोई इंस्पायर नहीं हुआ हूं, ठीक है, लेकिन मिक्स कल्चर में रहने के बाद मुझे इतना समझ में आया है कि मेरा जो रिलीजन है इस्लाम, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, उसके अंदर सिर्फ मुस्लिम वाली भावना है, इस्लाम वाली भावना, जो दो चीजों में बांट के रखा है, इस्लाम और गैर इस्लामी लोग, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, बस ये चीज है इसके अंदर। अच्छा, एक और सवाल था कि जैसे कि आप पहले एक मुसलमान थे, तो आपको ये तो पता होगा अल्लाह के हुकूक, इंसानों के हुकूक, बेवाओं के हुकूक, यतीमों के हुकूक, इनके बारे में तो आपको पता होगा। जी तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने कहा है कि मेरे हुकूक से पहले बंदों के हुकूक है। अगर तुम लोग बंदों को नहीं आसानी पहुंचा रहे, उनकी दिलाजारी कर रहे हो, तो तुम मेरे लिए भी अच्छे नहीं हो। नहीं, लेकिन अगर आप पूरा इस्लाम का सिस्टम देख लीजिए ना एनोनिमस जी, अब मुझे पता नहीं कि आपने कितनी सारी हमारी स्ट्रीम देखी है या कितनी सारी आपने वीडियोस देखी है। अच्छा, एक बात मुझे कहनी थी, मैंने आपकी ना जितनी भी वीडियोस देखी हैं, आप तो उसमें मुझे, खैर इतना तो आपने बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, पर बात ये है कि इंसान के नजरिए के ऊपर भी डिपेंड करता है और इंसान के दिमाग पे भी डिपेंड करता है, और इंसान का दिमाग ना सबसे पहले नेगेटिविटी की तरफ जाता है। मतलब आप एक चीज को, आप कहते हैं ना कि जैसे दो पहलू होते हैं एक सिक्के का, पहला पहलू फिर दूसरा पहलू, आपकी नजर में ना हमेशा नेगेटिव पहलू ही आता है, आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देखते। अब देखिए एनोनिमस जी, ये सवाल आप अगर करते कोई एक गैर मुस्लिम से कि आप इस्लाम को एक नेगेटिव नेगेटिविटी के साथ आप देख रहे हो, तो आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान भी सकते। आप ऐसे शख्स से बात करें जो खुद इस्लाम की दावत देता था और दिफा करता था, तो नेगेटिविटी अगर तो होती एक मिनट, तो मैं, आप दो, अच्छा सॉरी बोलिए। है ना, आप समझ रहे हैं ना कि मैं तो खुद दावत और तबलीग करता था, इस्लाम का दिफा करता था, तो नेगेटिविटी अगर जी, होती तो मैं, अब बात डिफरेंट है, आप दिफा करते थे, यानी वो पास्ट है, और करेंटली आप नहीं करते, आप नॉन मुस्लिम हैं, तो बहुत क्यों हुआ डिफरेंसेस हूं? आ जाते हैं, नहीं, तो ठीक मैं है। वही और कह रहा हूं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग से मुझे एक्स मुस्लिम या नॉन मुस्लिम बनने की जो वजह थी उसी बुनियाद पे मैंने किया है ना। अब आप मुझे बताइए एक बात, आपने मुझे ईमेल पे लिखा था कि आपने कुरान ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ा है, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ा है आपने, सही, जी ठीक है, आपने हदीसों को नहीं पढ़ा है, ठीक जी है ना, आपने इस्लाम को सिर्फ उतना सीखा है जितना आपको बताया गया है। नहीं, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। अगर मेरे मेरे दिमाग में कोई सवाल होता है तो मैं उसके जवाब ढूंढने के लिए निकलती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल जाता है, क्योंकि मेरे अंदर ये उम्मीद होती है, मेरे अंदर ये यकीन है कि अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी तो मुझे मिल जाएगा। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि थोड़ी देर पहले एक आयत, एक भाई जो हमारे जुड़े थे, उन्होंने बताया कि सूरह बकरा की वो आयत है, उसमें लिखा है कि जो गैर मुस्लिम औरतें हैं वो जो सेक्स स्लेव्स होती है उससे भी बदतर है। मैं आपको बता दूं स्क्रीन पे वो आयत, आप जी इसके बारे में क्या जरूर, कहेंगे? जी जरूर, आप पहले दिखा दीजिए, इंग्लिश में पढ़ दूं मैं? मैं उर्दू में खुद पढ़ लेती हूँ। अच्छा जनाब, आपने कहा सेक्स स्लेव, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम लौंडियाँ। अच्छा, अब लौंडियाँ सुनकर आपके माइंड में पता नहीं क्या क्लिक करता है या क्या मीनिंग निकलता है, पर मेरे लिए तो लौंडियाँ एक औरत ही हुई। वो मैं आपको बता दूंगा कि लौंडियों का क्या सिस्टम था, ठीक है, वो उस पे हम बात करते हैं और अभी करते हैं, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो आपके सामने एक आयत है
और जो मैंने कहा था कि इस्लाम के अंदर इंसानियत नहीं है, जो आप बोल रहे थे ना हुकूकुल इबाद, तो उसको हुकूकुल इबाद में जो है वो सिर्फ मुसलमान आते हैं, अच्छा सारे लोग नहीं आते हैं। हालांकि अल्लाह का दावा है कि अल्लाह सब 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 मखलूक का जो है वो रब है, लेकिन उसमें वो बाइफर्केशन जो हो जाता है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए इसका आप क्या जवाब देंगी। देखिए इस बात पे तो मैं यही कहूंगी कि एक मुस्लिम मर्द के लिए एक मुस्लिम औरत ही हलाल है, ठीक है, ये एक सही बिलीफ है। क्योंकि आप देखिए अगर एक मुस्लिम मर्द नमाज पढ़ता है और अगर एक मुशरिक औरत नमाज नहीं पढ़ती है तो दोनों को कैसे, दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, एक फैमिली होती है, तो नहीं, आप कैसे? देखिए देखिए आप जो है ना एनोनिमस जी, आप वर्ड्स किस तरीके से यूज कर रहे हैं उस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। आपको अगर ये कहना है कि आप बेहतर ये है कि आप अपने जो रिलीजन वाले हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, सेम बिलीफ सिस्टम है, उनके साथ आप शादी करिए, तो समझ में आता है फिर भी कि ठीक है सेम बिलीफ सिस्टम होगा तो आगे क्रैश नहीं होगा और डिफरेंसेस नहीं आएंगे। लेकिन जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे इधर है बिलीविंग स्लेव वुमेन इज बेटर देन अ पॉलीथिस्ट, बिलीविंग मतलब यानी आप, मतलब बिलीविंग तो इन सेंस लूंगी ना कि आप अपनी ही औरत पे जो है वो यकीन कर सकते हैं, और अगर वो औरत मुसलमान है तो आपकी बीवी है तो आप उसी पे यकीन कर सकते हैं बनिस्बत एक मुशरिक औरत के। तो मतलब मुशरिक औरत जो है आपके नजदीक वो भरोसे के लायक नहीं है? भरोसे के लायक नहीं, पर जिंदगी के, मतलब जिंदगी के लिए आप एक मुस्लिम है और आप एक मुशरिक औरत से शादी कर रहे हैं तो मतलब कैसे सूटेबल हो सकता है? क्योंकि हमें आगे की जिंदगी का तो नहीं पता ना, क्योंकि अल्लाह बेशक बेहतर जानता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, तो कोई बेहतरी ही रखिए कि मुशरिक औरतों को मुशरिक मर्दों के लिए नहीं सही करार दिया गया। अच्छा एक और बात, दूसरी बात, आपने ये कहा, एक मिनट एनोनिमस जी, और आपने एक बात ये कही कि लॉन्डियों में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको कोई लॉन्डी बोल के बुलाए तो आपको चलेगा? आपको कोई लॉन्डी बना ले, सॉरी माफी चाहता हूँ कि मैं ऐसे आपके लिए यूज कर रहा हूँ। आप बताइए आपको अगर कोई लॉन्डी बोल के बुलाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? एक मिनट, मेरे लिए लॉन्डी का मतलब है एक औरत यानी लड़की, भले ही एक नासेबल लफ्ज़ सुनने में अच्छा नहीं लगता, पर मुझे किसने कहा क्या मतलब, मतलब लोग, मैंने लोगों को सुनते तो नहीं देखा, पर लॉन्डी का मतलब ही इन अ सेंस जाता है। लॉन्डी का डिफरेंस, लॉन्डी लॉन्डी के बारे में पता भी है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्डी क्या है? जी नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपके सामने है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 24। अब इसका जो शुरुआत का जो हिस्सा है आयत में वो देखिए क्या लिखा है, और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है, मगर वो जो असीर होकर लौंडियों की तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाए, ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश में अगर पढ़ू मैं इजीली, अगर इसको समझना है, and also prohibited to you are all married women except those your right hands possess, this is the decree of Allah upon you। ab isme anonymous ye kaha ja raha hai ke aapke upar yani muslim mardon ke liye kaha ja raha hai ke aapke liye shaadi shuda auratein haram hai siway unke jo tumhare milkiyat mein hai jo right hand possess hai। अब आपको पता है कि ये आयत कभी उतरी एनोनिमस जी? इसमें आयत में ये कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम के लिए जो मैरिड वुमेन है यानी कोई फीमेल है उसकी शादी हो चुकी है तो वो इसके लिए हराम है, वो उससे शादी नहीं कर सकता है, वो उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्लेव है और वो शादीशुदा भी है तो भी आपके लिए अलाउड है कि आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो, ठीक है। स्लेव का लफ्ज जो है वो कहाँ है, मतलब मैं तो बताता हूँ, राइट हैंड पोसेस जो है वो स्लेव्स ही होते हैं। अब इसकी इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप देख लीजिए ताकि बात जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाए, और फिर मुझे आप बताइएगा कि इसको आप खुद एक फीमेल होने के नाते अपने ऊपर पसंद करती है या नहीं करती है।
ठीक है। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2155 है और सही हदीस है। अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने गजवा हुनैन के दिन मकाम औतास के तरफ एक लश्कर रवाना किया, तो वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर गालिब रहे और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी। क्या लगी? कैदी औरतें, कैदी मुस्लिम औरतें या मुशरिक औरतें? मुशरिक औरतें या फिर जो अहले किताब की औरतें, ठीक है, क्योंकि अच्छा। इन्होंने जहां, हाँ, अब चाहे मुशरिक हो चाहे मुस्लिम हो, मेरे नजर में एक फीमेल जो है, एक औरत, एक महिला, चाहे वो किसी की भी हो, उस उन सब की इज्जत है, ठीक है? सही बात है, हाँ, बस इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो बाइफरकेशन जो मुस्लिम लोग करते हैं ना, इधर से ही मसला खड़ा हो जाता है, एक मेंटालिटी सामने आती है कि मुस्लिम औरत है तो ठीक है, वरना कोई मुश्किल नहीं, फिर आप कुछ भी करो उसके साथ, ठीक है? तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। अब देखिए आगे क्या है, और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी तो इनके शोहरों के मुशरिक होने की वजह से बास सहाबा किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ज जाना। अब आप बताइए, उर्दू आप जानती है ना? जी हाँ जी। जिमा किसको कहते हैं? जिमा का मतलब नहीं पता मुझे। जिमा सेक्स को कहते हैं या इंटरकोर्स को कहते हैं? अच्छा ठीक। मतलब ये शादीशुदा औरतें थी जो सहाबा इनको पकड़ के लेके आए थे, कैदी बनाए थे, स्लेव्स बनाए थे, उनको थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी कि ये शादीशुदा है, हम इनके साथ सेक्स या इंटरकोर्स कैसे करें, ठीक है? अब वो आते हैं अल्लाह के रसूल के पास इस मसले को हल करने के लिए कि यार क्या किया जाए। अब उस पे तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आयत नाजिर फरमाई, वल मुहसनातु मिनन निसाई, यही वाली जो सूरे निसा की आयत नंबर 24 है, ठीक है? तो वो इनके लिए हलाल है जब इनकी इद्दत खत्म हो जाए। अब आप बताइए। अच्छा एक मिनट साहिल भाई, आपने कुरानी आयत तो पढ़ी है, आपने तफसीर भी पढ़ी होगी फिर? ये तफसीर है इसकी, ये जो हदीस है ये इसकी तफसीर है। तफसीर यानी इसका बैकग्राउंड, आप गजवे हुनैन की बात कर रहे हैं, वहां की सिचुएशन, वहां पे क्या हो रहा था, वो कैसी कैफियत थी, ये सब तफसीर में बयान होती है, हदीस तफसीर नहीं है। कह रहा हूँ मैडम, आपको फिर बिल्कुल भी इस्लाम का नॉलेज नहीं है, आप कोई आलिम से राब्ता करें। जो हदीस है और जो तफसीर लिखी जाती है ना, वो खुद हदीस की रूह से, हदीस की रोशनी में तफसीर की जाती है। चलिए हम एक काम करते हैं, अगर आपको डाउट है, हालांकि मैंने इस आयत का शान नुजूल आपको बताया कि आयत किस कॉन्टेक्स्ट में उतरी है, मैं आपको तफसीर भी बता दूंगा, उसमें भी आपको यही चीज मिलेगा, मैं बता दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप जिस तरीके से लौंडी अल्फाज को एकदम हल्के में ले रहे थे, आप देखिए इस्लाम की तालीमात क्या है, कि अगर गैर मुस्लिम औरतें या वो अगर शादीशुदा भी है तो उनके साथ इंटरकोर्स करना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है, उसमें कोई कबाहत नहीं। आप बताइए कि किस तरीके से हम ऐसे मजहब को हम सही मानते हैं। देखिए मेरे पास एक और पॉइंट ऑफ व्यू आया, मैं बताती हूँ, यह है हाँ। कि जैसे कि गजवाए हुनैन की बात चल रही थी तो बहुत से मुशरिक भी इंतकाल कर गए, चले गए दुनिया से, अब उनके पीछे जो थी उनकी बीवियां थी, उनके बच्चे थे, तो इद्दत का मतलब तो मुझे भी समझ आता है कि जब शोहर मर जाता है तो औरत को 40 दिन तक इद्दत पर बैठना पड़ता है, और उसकी भी वजह ये है कि अगर खुदा नखास्ता वो प्रेग्नेंट है तो पता चल जाता है 40 दिन के अंदर। पर यहाँ पे जो आपने बात करी ना सहाबा वाली, तो वो इसलिए कि शायद उन मुशरिक औरतों को सहारा मिल जाएगा अगर उनको कोई पालने वाला नहीं। अगर देखिए, अगर सहारा मिलने की आप बात कर रही है और इसमें मजे की बात नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको और एक एक हदीस बता देता हूँ, हालांकि आपका जो बोलने का जो बात है वो इसमें फिट नहीं होती है, ठीक है? यहाँ पे वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कतरा रहे थे और उनके जो शौहर है वो थे, यानी कोई ये शर्त नहीं है कि शौहर अगर होंगे तो, आप कह रही कि उनका इंतकाल हो गया होगा, कोई ऐसी शर्त नहीं है कि इंतकाल हो गया तो ये बेचारे उनको सहारा दे रहे हैं, बल्कि इद्दत का भी तो जिक्र है। हाँ, इद्दत वो इसके लिए है ताकि मतलब वो ऑलरेडी अगर किस प्रेग्नेंट है वो, तो आप सेक्स करोगे तो पता नहीं चलेगा कि वो आपका बच्चा है या उसके पहले शोहर का है, बस उसके एक प्रिकॉशन के लिए वो इद्दत है सर, मैडम जी समझिए,
वो सिर्फ एक प्रिकॉशन के लिए इद्दत है, इधर सवाल इद्दत पे नहीं है, इधर सवाल ये है कि जो लॉन्डी होती थी, स्लेव्स होती थी, उनके साथ सेक्स अलाउड था, बल्कि ये लोग कोइटस इंटरप्टस भी करते थे ताकि ये जो इनके हाथ में जो स्लेव्स लगी है उनको कहीं बच्चा नहीं हो जाए, ठीक है। और ये स्लेव्स को बेचा भी करते थे। चलिए मैं आपको और भी बता देता हूं ताकि बात आपके लिए और क्लियर हो जाए। सुनन अभी माजा की हदीस नंबर 2517 क्या लिखा है? जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडियां और उम्महातुल वलाद बेचा करते थे, और नबी करीम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। आप सहारा देने की बात कर रही है, यहाँ तो बेचा भी करते थे ये लोग, ट्रेडिंग। अब इस पे क्या दिफा करेंगी आप बताइए मुझे कि आपके शौहर को आपके शौहर जिंदा है, ठीक है, उसके बावजूद आपको बांटा जा रहा है, आपके साथ सेक्स की इजाजत है, और उसके बाद जो मतलब आपके साथ अगर समझो मामला पूरा हो गया, उसके बाद आपको बेचा भी जा रहा है, आप इसको डिफेंड करना चाहती हैं एनोनिमस जी? जी मैं बिल्कुल डिफेंड करती, और मुझे इसमें बहुत सोचने का वक्त चाहिए क्योंकि मैं कोई इम्पल्सिवली जवाब नहीं देना चाहती, मुझे इसमें सोचना है और मैं सोच के जवाब दूंगी। अच्छा, ये जो हमने अभी बताया, मैंने अभी बल्कि एडम आपको और तफसीर के साथ बताएंगे क्योंकि आपको तफसीर भी देखना था। मुझे ये बताइए कि जितना मैंने जिस तरीके से पेश किया है वो, उसको अगर आप मद्देनजर रखते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि इस्लाम वाकई में अच्छा है, मोहम्मद साहब वाकई में अच्छे हैं, या फिर ऐसे शख्स को हम? देखिए आपने मुझे ना एक छोटी सी बात मतलब एक टुकड़ा बताया है, मैं एक टुकड़े के बिना पे पूरे इस्लाम को जज नहीं कर सकती। ये छोटी सी बात है, मुझे आप बता दीजिए ये छोटी एनोनिमस सी बात जी। नहीं, भले ही बड़ी बात है, पर इस्लाम हाँ में इसके अलावा भी बहुत बड़ी बातें हैं, ये भी एक बड़ी बात है, उनमें से भी बड़ी बात है। तो मैं बाकी सारों को एक साइड पर रखकर इसके बारे में सोचकर मैं इस्लाम को अच्छा या बुरा नहीं कह सकती। एक बात बताओ मुझे एनोनिमस जी, एक आपको दूध के गिलास में, ठीक है, एक बूंद अगर पेशाब का मिला के दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या वो दूध आप पिएंगी? बिल्कुल नहीं, हाँ, तो इस्लाम का ये दावा है कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये सबसे सच्चा है, मोहम्मद साहब जो है रोल मॉडल है। तो इसमें अगर एक बुराई भी ऐसी नजर आ गई जो आपको लगे कि हाँ वाकई में ये बुराई है, तो इसको आप एक्सेप्ट जो है नहीं कर सकती। उस मैं इस कंसाल पर मैंने आपको रिसर्च दी थी तो आपको इस बात की दे दी करूंगी। है। मैं जी, मैं अपने सीनियर्स पे बात से बात करूंगी, उनसे पूछूंगी, सवाल करूंगी, और मैं बहुत रिसर्च के बाद आपको आके जवाब दूंगी क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं जी, जवाब दे सकती। लेकिन ये तरीका तो एज ऑफ नाउ तो तरीका गलत लग रहा है ना आपको? देखिए आपने ये आयत कहाँ से ली, आपने गूगल से ली, आपने कौन सी ना वेबसाइट ना ना, से अच्छा एक काम करिए, आपके पास घर में कुरान जी? है अभी मौजूद है? जी हाँ लीजिए, बोलिए, सूरह निसा खोलिए, सूरह नंबर 4। एक मिनट। मीनवाइल दोस्तों, मैंने आज एक रिक्वेस्ट नहीं की, वो ये थी कि आप लोगों को वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। एनोनिमस जी को लग रहा है कि हो सकता है मैंने कोई गूगल से आयत उठा ली, और ये बहुत बड़ा एतराज हमारे मोमिन भाइयों का रहता है कि शायद हमने अपनी मर्जी से कोई आयत बता दी है। तो मैं चाहता था कि उनके घर में जो कुरान रखा है वो खुद उसे खोले, और ये डाउट उनका क्लियर हो जाए कि हम जो बता रहे हैं वो कोई फेक चीज नहीं बता रहे, कोई फेक रेफरेंस नहीं है, बल्कि जो इस्लामिक टेक्स्ट में लिखा है वही हम आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि फिर से मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि आपको वीडियोस को शेयर भी करना है। एडम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब चार चांद लग जाएगी इस स्ट्रीम में, बल्कि मैं चाहता हूं कि गालिब भाई भी जुड़े ताकि चांद तारे सितारे सब स्ट्रीम में लग जाए। एडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत मेहरबानी बुलाने का सर आपको, आपका बेसिकली एनोनिमस जी बात का ये शुक्रिया। इम्पोर्टेंट नहीं है एडम कि मैं आपको बुलाता हूं, बात ये इम्पोर्टेंट है कि आप जुड़ते हो, तो ये सर बड़ी बात बहुत मेहरबानी, सर बहुत है। मेहरबानी आपकी।
नहीं एनोनिमस जी का शुक्रिया कि वो आई हुई है स्ट्रीम में और स्ट्रीम के साथ जी जुड़ी हुई है। एनोनिमस जी से मैं कहना चाहूँगा, अगर वो सुन रही है तो, ये वो कुरान इनके, देखने गई है। हाँ इनके पास जौन सी तफसीर है ना, मैं नहीं चाहूँगा कि वही खोल लें, वरना मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ जो कि इनकी ऑथेंटिक वेबसाइट जी की तरफ जनाब, थी। मैंने खोल ली है, खोल लिया। जी हाँ, जी सूरे निसा आयत नंबर 24 खोलिए आप। जी खोल ली। ठीक है, क्या आपको पढ़िए उधर। मैं तर्जुमा जो है वो कर रही हूँ। जी जी ठीक है, पढ़िए। और वे अपनों को उनका हाथ जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब मईशत बनाया है मत दो, हाँ उसमें तुम उनको खिलाते और पहनाते रहो। ये कौन सी आयत पढ़ रही है सिस्टर, कम ऑन, और खुद सूरे पढ़े। सूरे निसा की 24 24 24 24 खोलिए जी। और जो शख्स तुम में से मोमिन आजाद औरतों यानी बीवियों से निकाह करने का मकदूर न रखे तो मोमिन लोनियों ही से तुम्हारे कब्जे में आ गई हो निकाह करने, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है, तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो तो उन लौटियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत हासिल करके निकाह कर लो, और दस्तूर के मुताबिक उनका मेहर भी अदा कर दो बशर्ते कि अफीफा हो, न ऐसी कि खुल्लम खुल्ला बदकारी करें और न तत्परता दोस्ती करना चाहे, फिर अगर निकाह में आकर बदकारी का इर्तकाब कर बैठे तो जो सजा आजाद औरतों यानी बीवियों के लिए है उसकी आजी उनको दी जाए, ये लौटी के साथ निकाह करने की इजाजत उस शख्स को है। जी आप खुद पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा आप ऐसा करें, ये कुरान तो आप किसी वेबसाइट से ही प्ले कर रही हैं, इसका मतलब है आपके पास नहीं, फिजिकल नहीं, कुरान नहीं है। मेरे पास फिजिकल कुरान है पर मेरे पास तर्जुमा नहीं लिखा, मेरे पास उसका एक स्पीकर काइंड ऑफ है। मैं अब जरा एक काम करें कि लौंडियों के साथ आपका खुल्लम खुल्ला सेक्स क्या इजाजत है कि नहीं है, ये आप सूरह अल मोमिनीन की आयत नंबर 5 और 6 जरा पढ़िए प्लीज, खुद पढ़िए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप सूरह अल मोमिनीन की आयत नंबर 5 और 6 पढ़िए जरा। आखिर में अगर एनोनिमस जी अपनी सोच और अपनी बात में अगर वो सच्ची है तो ये हमारी मेहनत जो हम या जो चीजें बता रहे हैं, अगर वो वाकई में सच्ची है इसी तरीके से है जैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एनोनिमस जी एक दिन जरूर हमारी टीम में जुड़ने वाली है और वो डेफिनेटली हमसे कहेंगी कि हाँ आप लोगों ने जो बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इस चीज को कबूल करती हूँ कि ये वाकई में गलत है, या फिर अगर उनके पास इसका जवाब मिलता है तो भी वो आए और हमें बताएं कि आप लोगों की सोच या आपने जो बताया वो गलत था, इस असल माजरा जो है, असल चीज जो है वो इस तरीके से है। सही कहा एडम जी मैंने? बिल्कुल बेशक सही कहा। सर ये स्क्रीन शेयर करा दें ताकि जो लोग लाइव में बैठे हैं उन्हें भी पता लग जाए, क्योंकि वो तो अपने कुरान पे पढ़ रही हैं। तो ये सॉरी मुझे आपसे सवाल पूछना था, आयत नंबर 5 और 6 जी राइट? जी सिस्टर, सूरह अल मोमिनीन की आयत नंबर 5 और 6 मैं तमाम लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ डॉक्टर इसरार अहमद की। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मेल्स की बात हो रही है, सवाए अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं है। कौन सी तफसीर पढ़ना चाहेंगी आप इस सिलसिले में, मैं वो खोल देता हूँ। पुरानी वाली आयत की भी जोन सी आप पढ़ना चाहेंगी मैं वो खोल देता हूँ, 4:24 के लिए भी जोन सी कहेंगी वो खोल दूंगा। मैं बहुत बहुत आयत की तफसीर बता दीजिए, किस आयत की सिस्टर? ये जो आपने अभी पढ़ी जी, आप अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के साथ अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने की आपको जरूरत नहीं है। आपका कोई आलम जो इस दुनिया में इस वक्त मौजूद है, आप सुन्नी फिका से ताल्लुक रखती है ना? मैं फिरकाओं पे ना बिलीव नहीं करती, लेकिन आप शिया हैं कि सुन्नी है, मैं फिर वो वाली तफसीर नहीं, मैं एक आपको बात बताऊं, ना मुझे शियाओं के बारे में इतना पता है ना मुझे सुन्नियों के बारे में इतना पता है, मुझे इतना पता है कि बस मैं एक उर्दू स्पीकिंग हूँ। ठीक है जी, ठीक है, सारी पढ़ लेते हैं सर, तीनों चारों पढ़ लेते हैं, क्या मसला। सबसे पहले आ जाती है जी हमारे पास इब्ने अब्बास की, सेव फॉर देयर वाइव्स अप टू 4 वाइव्स और द स्लेव्स दैट देयर राइट हैंड पोजेसेस विदाउट एनी लिमिट इन नंबर। सो 4 तो आपको बीवियां हैं, उसके अलावा स्लेव्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी रख लें,
اور یہ آپ اس کے ساتھ فزیکلی انوالو ہو سکتے ہیں جیسا کہ آیت نمبر 5 بتاتی ہے. دوبارہ بتاتا ہے ایکسیپٹ فار دیئر اسپاؤس, کیا ایکسیپٹ؟ آیت نمبر 4, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یعنی کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ان کے ساتھ نہ انوالو کریں. ایکسیپٹ فار دیئر اسپاؤسز, دیٹ از ٹو بی دیئر اسپاؤسز, اینڈ وٹ دیئر رائٹ ہینڈ پوزیسز, that is concubines, for there is no blame in them having sexual intercourse with them. This is the Jalalain. Let's see Ibn Kathir. Ibn Kathir jo hai uske dhoondna padega hame, kyunki wo ayat number 1 se leke ayat number 11 pura ka pura iske andar hai. NN Porji meanwhile keh rahe hain Adam bhai ki entry ekdam sahi waqt pe hui hai. Bilkul Adam bhai hamesha sahi time pe entry marte hain. Thank you so much. Aur sir ye dekhen, they are free from blame, but whoever seeks beyond that, meaning other than a wife or a slave girl, wo aggressors mein se hain. Theek hai? So, and here it says that permissible for them or their right hand possession from the captives. One who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed and there is no sin on him. And Allah says, the same ayah, meaning other than a wife or a slave girl. So, slave girl, there is not a single alim jo kahe ke slave girl ke saath sex allowed nahi hai. Achha, main isme sirf ek clarification de dun, jo batane ki koshish ki kya kyu ho rahi hai Adam aur meri taraf se. Usse pehle critical reasoning ji keh rahe hain, Sahil ji and Adam bhai, koi naughty ayat hadith. Bilkul ye sab naughty nahi, balki dukh دینے والی آیتیں ہیں. انونیمس جی, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیکس سلیوز کے ساتھ یا سلیوز کے ساتھ شادی کرنا کوئی شرط نہیں ہے. آپ بنا شادی کے, بنا نکاح کے آپ ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو, بلکہ آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہو. بلکہ جو سلیوز تھی ان کے لیے تو پردہ بھی نہیں تھا. بلکہ لاسٹ دو سٹریم میں ہم نے کور کیا تھا, جو عمر تھے وہ انس کی سلیوز کو مار کے کہتے ہیں کہ وہ جو سلیوز تھی, سلیو تھی وہ اپنے سر پر اوڑھنی اوڑھتی ہے, تو ان کو مار کے کہتے ہیں کہ فری جو آزاد عورتیں ہیں ان کی متشابہت یا ان کے جیسے آپ بننے کی کوشش نہ کرو. تو یہ مقام جو ہے اسلام دیتا ہے. اچھا سسٹر, یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتانے لگا ہوں کیونکہ یہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. یہ آپ کو اس ٹائپ کی چیزیں عربی کے علاوہ شاید کم ہی ملیں. یہ شبہ ہے حدیث ماریات القبطیہ. ماریات القبطیہ جو ہے نا, محمد کی ایک سیکس سلیو تھیں جو کہ ان کو تحفے میں ملی تھیں. جو محمد کا واحد بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام ہے ابراہیم, وہ ماریات القبطیہ سے ہوا تھا. اگر آپ کو نہیں پتا آپ اپنے اسکالر سے پوچھ سکتی ہیں. یہاں پہ وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ حدیثوں کے مطابق ماریا قبطیہ جو ہے وہ محمد کی بیویوں میں سے تھیں یا نہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے کیونکہ آپ نے کہا آپ کے پاس عربی کا قرآن ہے اور اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے. جی عربی پڑھنا آتی تو ہے, پر یہاں پہ زیر زبر تو نہیں لگا ہوا, جیسے کہ میں اسے صحیح پڑھوں نہیں پڑھوں. کوئی فرق نہیں پڑتا سسٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا زیر زبردست لگا ہو کہ نہ لگاؤ. لیکن چلے ہم ایسا کرتے ہیں, میں گوگل سے ٹرانسلیشن لے لیتا ہوں اس کی انگلش میں. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں نہیں, میں گوگل کی ٹرانسلیشن کو نہیں چھوڑ رہا. پھر آپ ایسا کریں, آپ خود پڑھ لیں, یہ لیں پکڑے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ انس بن مالک نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا کہ ان رجال کانا یتیم, یہ جو تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیو تھی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی سارے لوگ, یعنی متفقہ علیہ یہ آپ کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سلیو تھی, وہ ان کی بیوی نہیں تھی. اور جو واحد بیٹا پیدا ہوا تھا, ہاں ایڈم سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ حدیث بھی بتا دو نا سنن ابی داؤد کی, کہ محمد صاحب اپنی باندی کے ساتھ سیکس کر رہے تھے تو عائشہ اور جی وہ قرآن کی تفسیر کے اندر بھی ہے, وہ قرآن کی تفسیر کے اندر بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی صحیح حدیث ہے. وہ بالکل, اسی لیے میں بالکل وہ بھی دکھاتے ہیں. سر آپ وہ کھول لیں, میں اتنی دیر میں یہ والا کر لوں, اتنی دیر میں آپ وہ کھول لیں. تو سسٹر بات یہ ہے کہ جو سلیوز ہے نا, فیمل سلیو, کیپٹیوز آف وار, آپ اب رجال کا تو آپ کو مطلب پتا ہے نا کہ وہ سلیو ہے. آپ یہاں پہ مختلف جگہ پہ دیکھ لیں گے کہ وہ زنا میں شامل نہیں ہے,
اور ماریات القبطیہ بھی جو ہیں وہ ان کی بیویوں میں سے نہیں تھیں, اور یہ وہ بول رہے ہیں کہ یہ فی اختیار الاحادیث صحیحہ, کہ یہ مسلم امام مسلم کی صحیح حدیثوں میں سے ہے, ٹھیک ہے. اور اس ادھر ابن قائم الجوزیہ کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے. یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ جو ہیں سلیف کو ایز سیکس کیوں آپ لے رہے ہیں, کیا سلیف سے کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا؟ بالکل جی, گھر کا کام بھی کروایا جا سکتا ہے ان سے, اونٹ ان کو ڈرائیور کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے, ان سے گھر سے سارے کام بھی کروائے جا سکتے ہیں. سلیف جو ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک کپ خرید کے اپنے گھر لے کے آتی ہیں, ایک کرسی خرید کے اپنے گھر لے کے آتی ہیں. سلیو کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے, سلیو اگر گھر سے بھاگے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. سلیو کو آپ سکرجنگ یعنی کہ صرف ہاتھ سے نہیں کسی ڈنڈے سے پٹائی بھی کر سکتے ہیں. سسٹر کون سی والی حدیث میں آپ کو دکھاؤں اس سلسلے میں؟ سلیو آپ کی ملکیت ہے ایسے جیسے آپ نے ایک کرسی خرید لی ہے, اور پلس اگر میرے پاس ایک میرے اور لیٹس سے میں نے اور ساحل بھائی نے مل کے ایک سلیو عورت خریدی ہے تو ہم دونوں اس کے اوپر سیکس کر سکتے ہیں باری باری, اور اگر اس سے بچہ ہوئے گا تو وہ ہم دونوں کا بچہ کاؤنٹ کیا جائے گا. میں اس جو میں نے بولا میں سب آپ کو دکھا سکتا ہوں اسلامک شرح کے اندر. بتائیے کیا دیکھنا. یہ جو آپ نے ملکیت کی بات کی ہے وہ مجھے آپ پروف دکھا دیجئے. ملکیت کی بات کی ہے, میں پروف دکھا دوں؟ جی اوکے. کیا پروف دکھاؤں میں آپ کو کہ ملکیت میں کیا دیکھنا چاہتی ہیں آپ, کہ آپ کی ملکیت میں کیا دیکھنا چاہیں گی؟ ملکیت تو ہے, وہ تو آپ کو قرآن کی آیت بتا رہی ہے دے آر یور ملکات الیمین, مالک الیمین. دیکھیں قرآن کی آیت جو ہے, قرآن کی آیت جو ہے, بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, ٹھیک ہے نا, کسی اور کو نہیں. میں آپ کو قرآن سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 50 دیتا ہوں, وہ دیکھیں آپ, کیونکہ محمد کو یہاں پہ کہا گیا 33:50 کے اندر نا, آپ کو وہ دیتا ہوں quran.com 33:50. اچھا ایک اور لوجک آئی میرے ذہن میں, مجھے بات کرنی ہے ورنہ میں بھول جاؤں. ایک چیز تو ختم کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. یہ آپ نے کہا ملک, ملک ورڈ کس چیز سے آیا ہے؟ اونر, اونرشپ. آپ نے کہا نا ملکیت دکھا دیں, یہ عربی کا ورڈ ہے, آپ اس میں عربی پڑھ سکتی ہیں, زیر زبر پیش بھی موجود ہے. جو وما ملکت, ملکت رائٹ, یمینوکا ٹھیک ہے, جو آپ کے لیے رائٹلی آپ نے اس کو پوزیس کیا ہے, یعنی کہ رائٹلی آپ نے لیا. اور یہ آیت بول کس کو رہی ہے؟ رائٹلی نکاح کر کے لیا ہے. اے نبی, عورتوں کو پہلے مسلمان بنایا گیا, نکاح کیا گیا, پھر وہ ان کے لیے حلال. ایک آیت مجھے دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ مسلمان بنا کے اس کے ساتھ مہر دے کے عقد کرنا ضروری ہے, پلیز ایک آیت دکھا دیں یا ایک حدیث دکھا دیں مجھے. اچھا اس میں ایڈم ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ اگر نکاح کی شرط ہوتی تو جو آیت ابھی ہم لوگوں نے بتائے اس میں اس کو وائف کاؤنٹ کیا جاتا, exactly. الگ سے لونڈی. آپ دیکھیں نا پچھلی آیت جو آپ کو دکھائی سورت المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6, سورت مومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 جو میں نے آپ کو دکھائی, ٹھیک ہے 24 کی 5 6 جو میں نے آپ کو دکھائی, وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے. ازواجہم بیویاں او ما ملکات الایمان ہوں, تو اگر ملکات الایمان کو آپ نے بیوی ہی بنا لیا ہے تو اس کو سیپریٹلی دکھانے کی ضرورت کیا تھی قرآن میں؟